शांजा शेख के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट में खुलासा, गुंडागर्दी और राजनीतिक रसूख से संदेश खाली में बना रखा था खौफ का माहौल। शांजा शेख ने जबरन उगाही जमीनों पर कब्जा कर बनाई थी अकूत संपत्ति। ईडी ने 27 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की। केजरीवाल की रेगुलर जमानत याचिका पर राव जवाई ने कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 1 जून को होगी अगली सुनवाई। राउज वेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी। 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार। कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर केस में गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार। उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब के होशियारपुर से पीएम का कांग्रेस आप पर निशाना। कहा दिल्ली में 7 पंजाब में कर रहे हैं ड्रामा। कांग्रेस की गोद से भ्रष्टाचारी आप पैदा। पीएम मोदी बोले देश को चाहिए दमदार सरकार। पंजाब भी कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने कहा पूर्ण बहुमत वाली सरकार लगाने जा रही है ट्रिक। सरकार के पहले 125 दिन का रोड मैप तैयार। पीएम मोदी ने कहा हम अगले 25 साल के विजन पर कर रहे हैं काम। 21वीं सदी भारत की सदी है। पंजाब में पीएम मोदी का बयान विरासत और विरासत के मंत्र पर चलती है बीजेपी। अफगानिस्तान में संकट आए तो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ भारत लाए। हिमाचल के कुल्लू में सीएम योगी ने कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। कहा बीजेपी के शासन में सुरक्षा सम्मान और विकास थी। कांग्रेस को वोट देने का मतलब मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा। सीएम योगी ने निशाना साधा। गांधी पर पीएम के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैरानी जताई। कहा पीएम को गांधी जी के बारे में जानकारी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। चुनाव प्रचार के दौरान 421 बार मंदिर मस्जिद पर बात की। 4 जून को एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। राहुल गांधी ने बयान पर बढ़ के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो क्या कहते हैं उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा एनडीए गठबंधन की बन रही सरकार 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में राहुल गांधी ने रैली की। कहा मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझ पर 24 केस किए गए नवीन पटनायक पर एक भी दर्ज नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। कहा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को बहुमत से ज्यादा मिलेंगी सीटें। 4 जून को इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे नतीजे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का सीएम योगी पर पलटवार। मुझे पाकिस्तानी बताते हैं लेकिन मैं अपनी आवाज पर नहीं करूंगा। अच्छा रिजल्ट आया तो पाकिस्तान से करेंगे बातचीत। फारूक अब्दुल्ला का बयान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बीजेपी पर अटैक। पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान हेट स्पीच का तरीका अपनाया समाज को बांटा। उन्होंने पद की गरिमा कम की। मनमोहन सिंह ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए। कहा देशभक्ति क्या सिर्फ 4 साल। ये बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद। मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटर्स को लिखा खत। कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कहा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी पार्टी। हिमाचल की जनता चाहती है मोदी फिर पीएम बने बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान। शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आज वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्रतिक्रिया का दुनिया इंतजार करती है। शिमला में बोले सीएम पुष्कर धामी। पीएम मोदी के बयान पर बोले नवीन पटनायक अगर इतनी चिंता थी तो फोन करके हालचाल पूछ लेते। मुझे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं है मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने 2024 चुनाव को बताया धर्म युद्ध। कहा एक तरफ धर्म के साथ हैं लोग दूसरी तरफ धर्म को खत्म करने वाले। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चीफ बाबूलाल मरारी का बयान। बठिंडा की जनता से हरसिमरत कौर बादल की अपील अकाली दल को मजबूत करें। कोलकाता के जादवपुर में सीएम ममता का रोड शो। टीएमसी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी का अटैक। अखिलेश यादव की हार होगी फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अमेरिका और भारत की वायुसेना ने किया रेड फ्लैग 24 सैन्य अभ्यास। अलास्का में एक्सरसाइज। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण रॉकेट के सफल लॉन्चिंग की इसरो ने ट्वीट कर बधाई दी। कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक की सुरक्षा सख्त। आज से पीएम मोदी की विवेकानंद स्मारक में 2 दिन के ध्यान समा। दिल्ली सरकार की वाटर क्राइसिस को लेकर मीटिंग। जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शाम। जल संकट पर बोली मंत्री आतिशी। हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे आरोप। हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने दिल्ली सरकार के आरोपों को बताया गलत। कहा 350 क्यूसेक ज्यादा पानी दे रहे हैं। आतिशी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे के शिवाजी नगर में चले मेट्रो वर्क की समीक्षा की। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़। नीम करौली बाबा महाराजा मंदिर में दर्शन किए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह। पत्नी के साथ पूजा कर आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका अरदास की।
शिमला के जाखू मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। मोहाली के जरकपुर में BMW ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत, आरोपी फरार। जम्मू कश्मीर के रियासी में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, 23 घायल।